अदा शर्मा की पहली फिल्म सन 1920 यह मूवी 12 सितंबर 2008 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दूसरे नंबर पर है फिर, यह मूवी 12 अगस्त 2011 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तीसरे नंबर पर है हम हैं राही कार के, यह मूवी 24 मई 2013 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। छठे नंबर पर है हार्ट अटैक, यह मूवी 31 जनवरी 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 13 करोड़ 50 लाख रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। पाँच नंबर पर है हंसी तो फंसी, यह मूवी 7 फरवरी 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। छठे नंबर पर है सन ऑफ सत्यमूर्ति, यह मूवी 9 अप्रैल 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ 66 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सातवें नंबर पर है राणा विक्रमा, यह मूवी 10 अप्रैल 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। आठवें नंबर पर है सुब्रमण्यम फॉर सेल, यह मूवी 24 सितंबर 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नौवें नंबर पर है गरम, यह मूवी 12 फरवरी 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। दसवें नंबर पर है छनम, यह मूवी 26 फरवरी 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 19 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 11 नंबर पर है कमांडो 2, यह मूवी 3 मार्च 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 26 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 12 नंबर पर है चार्ली चैपलिन 2, यह मूवी 25 फरवरी 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ 92 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 10 नंबर पर है कालकी, यह मूवी 28 जून 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ 32 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 14 नंबर पर है बाईपास रोड, यह मूवी 8 नवंबर 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 15 नंबर पर है कमांडो 3, यह मूवी 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 38 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 16 नंबर पर है सेल्फी, यह मूवी 24 फरवरी 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 110 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ 82 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 17 नंबर पर है द केरला स्टोरी, यह मूवी 5 मई 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी 17 दिन में 240 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है।